शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव खुरगान में राशन डीलर द्वारा कोटा न बांटने पर हंगामा खड़ा हो गया। सूचना पाकर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं उप जिला अधिकारी कैराना ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव खुरगान में राशन डीलर द्वारा कार्ड धारक को राशन वितरण न करने पर हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि राशन डीलर की पत्नी ने कार्ड धारकों पर हमला बोल दिया, जिस पर सूचना पाकर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत किया। ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर उमरदीन 2 माह से कोटे का वितरण नहीं कर रहा है, जिसके संबंध में उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत पर देकर अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। कौन सा गाँव? उमरदीन। अच्छा, कितने समय से कोटा नहीं दे रहा? 2 महीना हो गई, दूसरा महीना लग गई। आज आए, आज क्या हुआ? आज कोटा नहीं दिया, कोटा वाला बंटन वाला ही लुक गया। फिर कौन दे दे, हम पब्लिक यहाँ परेशान हो रहे रमजान में। डीएम साहब ने भाई कॉल आई थी कि गांव में लो सीमेंट करवा दो और इनका कोटा का अनाज वितरण होगा। सुबह से जो टाइम आ गया अब तक के कोई आदमी ना कोई, सिर्फ 100 नंबर तो खड़ी यहाँ पे। और देखो जनता कितनी परेशान है, जब तक इनका कोटा नहीं मिला हम भी परेशानी है, इनके साथ में खड़े। कौन सा गांव है? खुरगान है। ये कोटा वितरण होना था 13 तारीख में और आज देखो क्या टाइम हो गया, अब तक जो है लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है और किसी को भी राशन नहीं मिला। काफी लंबे समय से यहाँ सुबह से लोग लेट हुए हैं, अब तक कोई इसका निस्तारण नहीं हुआ। कौन सा गाँव है? ग्राम सफर खुरगान है। कोटा वाले का नाम जो है उमरदीन है। कितने समय से कोटा नहीं मिला? कोटा तो पिछले वाला कोटा गया, अब ये कोटे वाले कह रहे हम तुझे बेच दे, बेच के जो है हम पुलिस को दे सकते हैं, आपको नहीं देने वाले। किसी अधिकारी को तुमने शिकायत करी? एसडीएम साहब को फोन कर लिया, डीएम साहब को बता दिया, सभी संज्ञान में सबके मामला है। एसडीएम साहब को पता है, जो है कोटा इंस्पेक्टर को भी बात नॉलेज में है। कोई कार्यवाही नहीं अभी तक? तो कोई कार्रवाई नहीं हुई सुबह से लेकर अब तक, जो है किसी का कोई भी समस्या नहीं हुई। सुबह तक लोग यहाँ लेट हुए हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये शिकायत आई है कि कोटे द्वारा कुछ वितरण में अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच में अगर वो दोषी पाया जाता है तो नियम अनुसार उसे कार्रवाई की। सर, गाँव वाले आरोप लगा रहे हैं कि कई महीनों से लगातार ऐसा ही चल रहा है कुछ। सभी आरोपों की जाँच की जाएगी, अगर बिल्कुल दोषी पाया जाएगा तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी।